हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 27th ऑफ मार्च। तो देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो सबसे फर्स्ट आर्टिकल को जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका खंडागिरी उद्यानी केव। अब ये देखिए, यहाँ पे इमेज में आपको देखने को मिल रही होगी, दिस इज़ द केव। अब ये पहले कंटेक्स्ट में क्यों आया है इसको हम समझते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वॉर्न किया है दैट खंडागिरी एंड उद्यागिरी केव आर इरोडिंग। ये जो केव हैं आपकी, ये इरोड हो रही है, ख़त्म हो रही है, एंड जो इसकी स्पीड है वो भी आपका बहुत तेज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ वार्निंग अलार्म क्लॉक की तरह है, जो कि इन दोनों केव्स के लिए हमारी बताई गई है। तो अब ये दोनों केव्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन दोनों केव के बारे में, तो ये किस टाइम पीरियड की हैं जो कि क्रिएट करी गई हैं बहुत पहले। तो ये आपका रीजन ऑफ कलिंगा किंग बहुत पहले 1st एंड 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे है। ठीक है, और मॉडर्न डे में अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर है, ये आपकी भुवनेश्वर में है। ठीक है, बिटवीन दी 7th एंड 12th सेंचुरी उद्यागिरी ऑल्सो नोन एज, एक और नेम से इसको हम लोग बोलते हैं, मध्वापुरा महाविहारा, जो कि आपका एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज द इमेज। तो ये आपका एक हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक वार्निंग दी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे उद्यागिरी जो है इसके पास टोटल 18 केव्स हैं, जबकि खंडागिरी जो है इसके पास टोटल जो है आपकी 15 केव्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज केव हैज़ अ वेरियस इंस्क्रिप्शन आइदर इन दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। तो इसमें बहुत सारे आपके जो हैं इंस्क्रिप्शंस हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। लाइक आप देख सकते हैं, कुछ जो है आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैं और कुछ आपकी क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हाथी गुफा, अनंता गुफा, गणेशा गुम्पा, जया विजया गुम्पा, मानकपुरी गुम्पा, बाघा, ये सब आपके जो हैं कुछ फेमस केव्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो मे बी यहाँ से देखिए हाथी गुम्पा ऐसे करके पूछ सकता है कि कहाँ पर है, क्या है, तो आपको ध्यान में रखनी है यहीं पे पर्टिकुलरली फेमस केव्स हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिजी क्लेम। ये क्या है, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, ये आपका एक पोर्टल है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया है। अब समझते हैं कंटेक्स्ट क्या है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने आपका लॉन्च किया है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल डिजिटलाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल, नेमली डिजी क्लेम। आपको नेम से समझ में आ रहा होगा, डिजी क्लेम यानी डिजिटली आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये पोर्टल लॉन्च किया गया है टू सेटल दी डिजिटली आपका जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अंडर दी एम्बियंट ऑफ किस मिनिस्ट, किस चीज के अंदर, किस योजना के अंदर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सी योजना है और क्या इसका नाम है। ठीक है, तो डेवलप किसने किया है, डेवलप बाय द इरिगेशन ऑफ नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एंड द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो दिस इज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्यों ये ऐप, ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इरेजिंग दी लाइफ्स ऑफ इनसिक्योर फार्मर एंड प्रोवाइडिंग देम विद अ सस्टेनेबल फाइनेंस सपोर्ट। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट टू मेक द फार्मर सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रॉन्ग, फार्मर्स को सेल्फ रिलायंस और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिजी क्लेम जो है आपका, ये रिड्यूस करेगा क्लेम रिवर्सल एंड इनेबल फार्मर टू ट्रैक दियर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इन द रियल टाइम थ्रू द मोबाइल फोन। देखिए, जब चीज़ें डिजिटलाइज हो जाती है ना, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे, आप डिजिटली अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस गोइंग ऑन इन योर प्रॉब्लम। ठीक है, क्या किस तरीके से उसका सॉल्यूशंस हो रहे हैं, क्या उसका प्रोग्रेस है। अब देखिए, फार्मर्स क्लेम्स विल बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली टू द रिस्पॉन्सिटिव बैंक अकाउंट इन द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर्स। नाउ अब जो बीच का बैरियर है उसको भी एक तरीके से हटा दिया जाएगा और फार्मर्स डायरेक्टली अपने अकाउंट होल्डर बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका बेनिफिट होगा। तो दीज ऑल आर दी बेनिफिट। नाउ यहाँ पर जो स्कीम यूज में आई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं, सो दैट अगर अगेन क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अबाउट की बात करें, तो कब लॉन्च करी गई है, इन द ईयर ऑफ 2016 एंड इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी, किसके थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, जितने भी फार्मर्स हैं इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टीनेट फार्मर्स, ये सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं।
अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना है इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट, डिजीज, किसी भी तरीके से अगर आपकी क्रॉप खत्म हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सो दैट आप उस लॉस को क्या कर सकें, बेयर कर सकें. क्लियर? टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स, सो दैट फार्मर्स की एक मिनिमम इनकम जो है वो बनी रहे. ठीक है? टू इनकरेज द फार्मर एडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. देखिए, फार्मर तभी मॉडर्न प्रैक्टिस और एग्रीकल्चर को अपनाएगा जब उसके मन में, माइंड सेट में एक सिक्योरिटी होगी. ठीक है? तो इसीलिए ये स्कीम भी लाया गया है ताकि उनको एक मिनिमम जो पेमेंट है वो मिलते रहे. लास्ट देखिए, टू इंश्योर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपका क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पेटेंट मोनोपोली एवर ग्रीनिंग. क्या है? देखिए, इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है रिजेक्ट किया है जॉनसन एंड जॉनसन का, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था किस चीज़ के ऊपर, मोनोपोलॉजी ऑन लाइफ सेविंग टीवी ड्रग बेंडाक्विलिन. तो ये बेंडाक्विलिन एक ड्रग है जो कि टीवी के पेशेंट में यूज़ किया जाता है. तो इसके ऊपर जो जॉनसन एंड जॉनसन है ये अपना मोनोपोलॉजी शो कर रहा था, तो इस चीज़ को अभी बैन किया गया है. तो अब समझते हैं कि ये होता क्या है. तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि ये जो ड्रग है ये है क्या, ये आपकी एक क्रूशियल ड्रग है जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीवी पेशेंट में, फ्रॉम होम द फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट, जो कि उनको पहली लाइन ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइक आइसोनाजाइड, रेमाफेसिन, पैराजिनामाइड एंड इथियोबुटल हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग. ठीक है? ओवर द 55,000 पेशेंट बेनिफिटेड अक्रॉस द बेंडाक्विलिन इन इंडिया इन 2019. इससे आप देखेंगे जो पेशेंट है उसको, बहुत ज़्यादा पेशेंट को इससे बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है? अब देखिए, वाई इज पेटेंट मोनोपोलॉजी एवर ग्रीनिंग. तो ये होता क्या है, ये आपकी एक प्रैक्टिस होती है ऑफ मॉडिफाइंग ड्रग विदाउट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. ठीक है? इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर पेटेंट लाइफ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. समझ में आ रहा है क्या है, हम इसमें एक प्रैक्टिस है एक तरीके से जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं इस ड्रग को विदाउट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. अगर एवरग्रीन की बात करें, एवरग्रीनिंग एस्टेब्लिश मोनोपोलॉजी अंडर माइंड कॉम्पिटिशन. अंडर इंडिया में बात करें, इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 प्रोहिबिट्स द मिसबिहेवियर्स प्रैक्टिसेस ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, मेकिंग द ड्रग अफोर्डेबल एंड प्रमोटिंग डोमेस्टिक जेनरिक ड्रग मार्केट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड कौन सा एक्ट है ये भी ध्यान में रखना है. तो देखिए, बेंडाक्विलिन जो है आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग बाय द जॉनसन एंड जॉनसन इज अ क्रिशियल एंटी टीबी ड्रग. अराउंड द आप देखेंगे $400 फॉर द 6 month ट्रीटमेंट रिजिम. The prices are likely to fall. After July, generic procedure like Lupin and Mecalor are likely to manufacture the drug. तो इंडिया ने आपका जो रिजेक्ट किया है, अपील टू एक्सटेंड इट पेटेंट बॉडी बियॉन्ड द जुलाई 2023. ठीक है? तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. नेक्स्ट आर्टिकल देखिए किस चीज़ के ऊपर है, डीसेलिनेशन. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इस तरीके के टर्म्स प्रीलिम्स में आते हैं. व्हाट इज डीसेलिनेशन, अ वाइबल सॉल्यूशन टू वेस्ट स्कार्सिटी. एक वाइबल सॉल्यूशन है फॉर द वेस्ट स्कार्सिटी. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. देखिए, वाइल अराउंड द 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर, 70% जो हमारा अर्थ का सर्फेस है स्टिल कवर्ड विद द वाटर, लेस देन 1% इज ड्रिंकेबल. लेकिन उसमें से जो लेस देन 1% है वही आपका ड्रिंकेबल है. द डिसेलिनेशन ऑफ ऑल ऑफ आवर ओशन इन टू ड्रिंकिंग वाटर हैज एमर्ज एट द अल्टीमेट मीन टू ड्रॉट प्रूव रीजन सफरिंग फ्रॉम द वाटर पॉवर्टी. तो देखिए, ऐसे एरिया में जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अल्टीमेट सोर्स क्या बनता है पानी का, ओशन वाटर, जो कि हमारा कैसा होता है, सेलाइन होता है नेचर में. ठीक है? तो देखिए, वाटर बहुत ज़्यादा होने के बाद भी ड्रिंकिंग वाटर की जो लेवल है वो बहुत कम है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी सबसे ज़्यादा है. तो ऐसे एरिया में हमारे पास कोई कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, तो व्हाट वी विल डू, विल यूज़ द ओशन वाटर एज द ड्रिंकिंग पर्पजेस. ठीक है? अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो देखिए, अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट एंड अदर मिनरल. अब देखिए, ये है हमारा नॉर्मल वाटर एंड दिस इज आवर ओशन वाटर. तो वी ऑल नो कि ओशन वाटर में हमारी सेलाइन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो हमें क्या करना होगा, हम इसको पियेंगे कैसे, हमें इसके लिए हमें सेलाइन को हटाना होगा और अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें और भी अदर मिनरल्स होते हैं उसको भी रिमूव करना होगा, तभी ये हमारा पानी कैसा बनेगा, पीने लायक. तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूव करते हैं सॉल्ट एंड अदर मिनरल फ्रॉम दी सी वाटर और ब्रैकिश वाटर टू मेक इट
पोर्टेबल फॉर दी ह्यूमन कंजम्पशन, सो दैट हम इसको क्या कर सकें, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर सकें। अगर हम टेक्निक की बात करें कि क्या टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर दिस कंप्लीट प्रोसेस, हम यूज करते हैं थर्मल डिसेलिनेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस मैम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मैम्ब्रेन होती है जिससे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो पास ऑन होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस टू रिमूव सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटी बाय ट्रांसफॉर्मिंग वाटर थ्रू द सीरीज ऑफ सेमी परमेबल मैम्ब्रेन। तो दिस मैम्ब्रेन जो यहाँ पे मैम्ब्रेन होती है, ये आपकी कैसी होती है नेचर में, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मीन्स कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही आगे पास ऑन होने देगी और जो भी डस्ट इम्प्योरिटीज हैं वो परमेबल मैम्ब्रेन के बैक साइड में रह जाएंगे और प्योर वाटर आपका पास ऑन होकर आगे मूव करेगा। ठीक है, अगर ग्लोबल यूजेस की बात करें तो ओवर 20,000 डिसेलिनेशन प्लांट्स ऑपरेटिंग इन ओवर 170 कंट्रीज वाइल द लार्जेस्ट इन सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इजराइल। तो देखिए, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल में सबसे ज़्यादा ऐसे वाटर के जो कंट्री ये प्रोसेस है ये किया जाता है फॉर यूजेबल वाटर बनाने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मिजूरी डिसेलिनेशन प्लांट इन चेन्नई यूजिंग द रिवर्स ऑस्मोसिस लार्जेस्ट वाटर डिसेलिनेशन प्लांट इन इंडिया। तो इंडिया में पर्टिकुलरली दिस प्लेस चेन्नई हैविंग अ लार्जेस्ट डिसेलिनेशन प्लांट। ऑल्सो द चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी विल सेटअप अ डिसेलिनेशन प्लांट इन लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट जो है लक्षद्वीप में भी ऐसा प्लांट सेटअप किया जाएगा। अगर हम इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें कि हम ये टेक्निक तो यूज़ कर रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा, यस, डिसेलिनेशन जो है आपका हाईली एनर्जी इंसेंटिव एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड जनरेट अ टॉक्सिक ब्रेन इन्फ्लुएंस। तो देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस भी जनरेट कर रहा है, उसके अलावा टॉक्सिक जो ब्रेन इन्फ्लुएंस है वो भी कर रहा है। दैट इम्पैक्ट दी मैराइन इकोसिस्टम, जो आपका अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेगा, मैराइन इकोसिस्टम को। अगर हम बात करें सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तो क्या इसके हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज टू पावर डिसेलिनेशन प्लांट फॉर द मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। हम वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करें सो दैट आपका जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसमें देखिए डिसेलिनेशन के डिक्रीज अराउंड दी, आप देखिए $5 पर क्यूबिक मीटर इन दी 2000 to 30 cents टूडे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो डिसेलिनेशन में बी अ मोर इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी इन द रीजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम दी वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट डेंजर इम्पैक्ट। तो आने वाले फ्यूचर में जब पानी की क्वांटिटी एकदम खत्म हो जाएगी, वाटर एकदम बिल्कुल अर्थ से पीने वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसी प्रोसेस का यूज़ करेंगे और इसी से हम फर्दर वाटर को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सारे आर्टिकल डिस्कस करे। नाउ वन क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर द प्रीलिम्स प्रैक्टिस, दंचीग्राम नेशनल पार्क इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज, इज कहाँ पर है, झारखंड, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटका। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।